इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से, जहां इस वक्त पंप हाउस सुखताल क्षेत्र में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां नैनीताल में सुखताल क्षेत्र में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया है। गैस रिसाव से तफरी का माहौल है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंची हुई है और रेस्क्यू कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं नैनीताल में, जहां पे पंप हाउस सुखताल क्षेत्र में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर जिला प्रशासन और जल संस्थान के अधिकारी भी टीम के साथ पहुंचे हैं। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी को सचेत किया जा रहा है और लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि 4 लोग घायल हो गए हैं। जो भी घायल हुए उनको बीडी पांडे अस्पताल में लेके आया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पे सुखताल क्षेत्र में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। गैस रिसाव से अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, उसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। स्थानीय लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। वही लाउडस्पीकर के माध्यम से सबको सचेत भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पे पंप हाउस सुखताल क्षेत्र में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। बता दें गैस रिसाव से अफरा तफरी का माहौल है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं गैस रिसाव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंची है और जल संस्थान अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने। वहीं स्थानीय लोगों को उनके घरों से भी निकाला जा रहा है। लाउडस्पीकर के माध्यम से सबको आगाह किया जा रहा है, उनके घर से निकलने के लिए कहा जा रहा है। वहीं इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तेज सिंह नैनीताल से जुड़ चुके हैं। क्या हालात है अभी वहां के तेज सिंह जी? जी नितेश जी, यहाँ के हालात अभी बिल्कुल सामान्य है, जबकि बहुत समय देर से ये सुबह देख के दिन से ही रिसाव चल रहा था, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा लेट पहुंचा, उस कारण थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने फोन करके उनको बताया एसडीएम को, तो उन्होंने तुरंत अपनी प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंची जी, और उसके बाद से प्रशासन ने कार्य किया है। और उसके बाद जी क्या कारण बताया जा रहा है गैस रिसाव होने के पीछे का, क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे लीक हो गया ये गैस? गैस रिसाव होने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे बस्ती में, उनका कहना है कि एक सिलेंडर पंप हाउस के पास काफी समय से बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन वो कुछ दिनों से फिर उन्होंने कहीं बाहर रख दिया, तो वो सिलेंडर लीकेज होने की वजह से गैस रिसाव हुआ, और जिससे लोगों को बदबू सी सुबह से ही लग रही थी, लेकिन लोग उसको नहीं वो कर पाए। जब ज्यादा रिसाव 4 बजे के बाद हुआ, तब प्रशासन को फोन करके बुलाया गया। जी अभी वहाँ के सभी ग्रामीणों के, जो आसपास के जितने भी लोग हैं, सबका रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग घायल हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी? अभी उनकी स्थिति ठीक है। 6 लोगों को बीटी पांडे हॉस्पिटल में लाया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। उसमें 2 पत्रकार भी हैं, जो 2 पत्रकार वहाँ पर गए थे उनको भी गैस लग गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।